आज है आसन को इंगित करते हैं, इन्होंने कहा मैं जो मर्जी चाहे वो बोलूंगा, चाहे आसन कुछ भी करे, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी स्थापित परंपराएं नहीं है। बीच में उपनेता ये व्यवधान नहीं करे, मैं मेरी बात की बात नहीं समाप्ति महोदय, ना तो ये व्यवस्था है कोई पढ़कर बोले और उसके बाद आसन कोई कहे, ये मुखबंध आपको करवाना नहीं करवाना, अगर ये चाहते हैं हम चले जाए तो हम चले जाते हैं। महोदय आपको उपनेता ऐसा लगता है, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट बिरादरी, तो मैं और मेरा दल तो जा रहे हैं। नहीं, बिरादरी, गांधी जी से चालू हुए थे, महाभारत से चालू हुए, मैं बोले नहीं, 5 मिनट कर महाभारत से चालू हुए, माननीय सभापति महोदय मुख्यमंत्री करा के पास कराने 50 उपनेता को कहना चाहता हूँ, जब ये बोलते हैं तो अच्छा लगता है सबको, ये विधायक बैठे हैं इनके भी आपको उसको जो समय को आप खाते हो वो अच्छा लगता है आपको। मैं एसटी का विधायक हूँ, मंत्री हूँ, तो क्या सुनने के लिए आपको परेशानी हो रही है क्या? मैं आदिवासी इलाके से आता हूँ, मेरी बात को पूरा करना चाहता हूँ, आपको उसको दूसरे रूम में पेश करके मुझे बिठाना चाहते हो, ऐसा क्यों? क्या हमें अधिकार नहीं है सदन में बात करने का? हमने जो काम किया है, राठौड़ साहब ईमानदारी से काम करना, एक साल जब पता लग जाएगा कि ईमानदारी क्या होती है और ईमानदार आदमी में कितनी ताकत होती है, उसके जमीर में कितना पावर होता है, ऐसे नहीं होता काम। आपने पैसे कमाए, संपत्ति अर्जित की है, कोई काम नहीं आएगी, ये मुट्ठी आया है और खोल के जाएगा वापिस। तुम सीमा होती है सभापति महोदय, मैं इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूँ सभापति महोदय, ये पढ़ के इन्होंने पूरा प्रगति प्रतिवेदन 52 पेज का पढ़ दिया, बोले नहीं, अब हमारे पर आरोप भी लगाने लग गए, नोटिस दे मन को करो, इनकी हिम्मत तो नोटिस भी दे रखा है पहले, जब पिछले राज्य में मंत्री थे जब नोटिस भी दिया था, जब आप भी मंत्री महोदय मेरा मंत्री महोदय मेरा निवेदन सुनो, अब शॉर्ट में बोल रहा हूँ, 10 मिनट लूंगा, 5 मिनट में आप समाप्त करें, 10 मिनट हम चले सभापति महोदय, मांगे पास करनी है महोदय, जहां आसन का सम्मान है, प्लीज आसन का सम्मान है, हम बैठना पसंद नहीं करते, बिराज मैं और मेरा दल बिल्कुल नहीं करते, वापस मत आना, क्या भाग्य बैठे हो करो मंत्री जी और आप भग रहे हो, हमने